नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हवाई जहाज से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि हवाई जहाज में लगी लाइट्स का क्या मतलब होता है, हवाई जहाज के पायलट और को पायलट को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है, और साथ ही हवाई जहाज से जुड़े और भी कई फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हवाई जहाज में लाइट्स क्यों लगी होती है, क्योंकि हवाई जहाज को तो सारे सिग्नल्स कंट्रोल रूम से मिलते रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अलग अलग कामों को पूरा करने के लिए लाइट्स की जरूरत होती है, और इनमें से कुछ लाइट्स हवाई जहाज के उड़ान भरते समय जरूरी होती है, तो कुछ लाइट्स हवाई जहाज को लैंड कराते समय काम आती है। तो चलिए जानते हैं हवाई जहाज में मौजूद इन लाइट्स के बारे में। नंबर वन, टैक्सी लाइट। दोस्तों, ये वो लाइट्स होती हैं जो हवाई जहाज के टैक्सी मोड यानी कि जमीन पर दौड़ते समय इस्तेमाल की जाती हैं। 150 वोल्ट्स की ये लाइट हवाई जहाज को रनवे देखने में मदद करती है, और जैसे ही फ्लाइट को टैक्सी क्लियरेंस मिल जाता है, पायलट इसकी टैक्सी लाइट को जला देता है, जिससे कि पायलट को मदद मिलती है। नंबर टू, टेक ऑफ लाइट। दोस्तों, टैक्सी लाइट के साथ ही टेक ऑफ लाइट भी लगी होती है। ये टैक्सी लाइट से ज्यादा चमकीली होती है, और हवाई जहाज के टेक ऑफ के समय ही चलाई जाती है, और ये लाइट टैक्सी लाइट से ज्यादा दूर तक रोशनी फेंकती है। और आपको बता दूं कि ये लाइट्स तभी चलाई जाती हैं जब हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी होता है। नंबर थ्री, रनवे टर्न ऑफ लाइट। दोस्तों, टेक ऑफ और टैक्सी लाइट के अलावा हवाई जहाज में एक और तरह की लाइट होती है, और जिनका एंगल और भी ज्यादा चौड़ा होता है, और ये लाइट्स रनवे पर हवाई जहाज चला रहे पायलट को पूरा रास्ता सही तरह से दिखाने में मदद करती है। नंबर फोर, विंग स्कैन लाइट। दोस्तों, हवाई जहाज का सबसे सेंसिटिव हिस्सा उसके विंग्स यानी कि पंख होते हैं। अब क्योंकि ये उसकी मेन बॉडी से अलग होते हैं, तो इनकी हिफाजत भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इसी वजह से विंग लाइट्स लगाई जाती हैं, ताकि टेक ऑफ के टाइम अंधेरे में भी हवाई जहाज पूरी तरह से साफ साफ दिख सके। साथ ही ये लाइट्स पायलट को भी बहुत मदद करती हैं। बादलों के बीच उड़ते हुए पायलट इन्हीं लाइट्स की मदद से ये देख पाते हैं कि पंखों पर बर्फ जमी है या फिर नहीं। नंबर फाइव, एंटी कोलिजन बीकन। दोस्तों, ये लाइट हवाई जहाज की जमीन पर साफ सफाई या देख रेख करने वाले क्रू मेंबर के लिए मददगार होती है। ये चमकीले नारंगी रंग की होती है, जो हवाई जहाज के पहले इंजन के शुरू होने से पहले ही जलाई जाती है, और आखिरी इंजन के बंद होने के साथ ही ये बंद होती है। और इसकी वजह यह है कि ग्राउंड क्रू मेंबर को ये पता चल सके कि हवाई जहाज अब पूरी तरह से बंद हो गया है। नंबर सिक्स, लैंडिंग लाइट्स। दोस्तों, ये सफेद रंग की चमकीली लाइट्स होती हैं, जो हवाई जहाज में लैंडिंग के समय आसमान और रनवे को साफ साफ देखने में मदद करती है। इन लाइट्स का प्रयोग ऐसे रनवे पर रोशनी देना भी होता है जहाँ पर लाइटनिंग कम होती है। ये लाइट्स पंखों के नीचे या कभी पंख की बाहरी सतह पर तो कभी कहीं और लगी होती है। और आपको बता दूं कि बहुत से हवाई जहाजों में एक से ज्यादा जगहों पर लैंडिंग लाइट्स लगी होती हैं। नंबर सेवन, नेविगेशन लाइट। दोस्तों, ये लाइट्स उड़ते हुए हवाई जहाज की दिशा निर्धारित करने के लिए मौजूद होती हैं, और नेविगेशन के लिए तीन लाइट्स होती हैं। पायलट की तरफ लगी लाइट हरी रोशनी से चमकती है, और दूसरी तरफ लाल रंग की, और हवाई जहाज के पीछे की तरफ लगी लाइट सफेद रंग की होती है। और इन लाइट्स से अन्य विमानों के पायलटों को काफी मदद मिलती है, और वो ये दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला हवाई जहाज किस दिशा में जा रहा है। और खासकर रात के समय में अगर सामने से केवल लाल लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हवाई जहाज दाएं से बाएं की तरफ जा रहा है, और अगर सामने से केवल हरी लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हवाई जहाज बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और अगर सामने से हरी और सफेद लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला हवाई जहाज भी हवाई जहाज से आगे चल रहा है और समान दिशा में है, और अगर सामने से लाल और हरी लाइट दिख रही है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला हवाई जहाज अपने हवाई जहाज की तरफ आ रहा है, और इसमें सफेद लाइट छुप जाती है जो दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि ये पीछे की तरफ होती है। नंबर एट, हाई इंटेंसिटी स्ट्रोब लाइट। दोस्तों, ये चमकीली लाइट्स हवाई जहाज को सही तरह से देखने में मदद करती है, और ये नेविगेशन वाली लाल और हरी लाइट्स के नीचे लगी होती है। ये लाइट बहुत ज्यादा चमकीली होती है, और फ्लाइट के दौरान आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती है। नंबर नाइन, लोगो लाइट। दोस्तों, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है जो उनके हवाई जहाज पर नजर आता है, और ये लोगो लाइट्स उसी लोगो को उभार कर दिखाने के लिए लगी होती है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि ये देखते ही समझ आ जाता है कि कौन सी कंपनी का हवाई जहाज उड़ रहा है, और इस लोगो की मदद से उस कंपनी का प्रचार भी हो जाता है। चलिए अब हवाई जहाज से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि हवाई जहाज में टॉयलेट सीट पर बैठकर फ्लश दबाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हवाई जहाज में वैक्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जब आप हवाई जहाज की सीट पर बैठकर फ्लश दबाते हैं, तो पहले से मौजूद वैक्यूम प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, और जिसके चलते आप टॉयलेट में फंस सकते हैं।
और इसीलिए ज्यादातर हवाई जहाजों में टॉयलेट सीट पर बैठकर फ्लश नहीं करने को लेकर नोटिस चिपकाए जाते हैं। इसके अलावा जब आपको फ्लू या जुकाम है और आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके कानों के पर्दों पर नुकसान पहुंच सकता है। अक्सर देखा जाता है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्री कान में दर्द की शिकायत करते हैं और ऐसा ऊंचाई में अचानक परिवर्तन की वजह से होता है, क्योंकि आमतौर पर कानों के पर्दों के अंदर और बाहर हवा का दबाव बराबर रहता है। अब क्योंकि हवाई यात्रा के दौरान कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव बराबर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है और इस वजह से परेशानी होती है, और इससे निपटने के लिए यात्रियों को गम चबाने, टॉफियां चूसने, मुंह में हवा भरकर नाक को बंद करने और कान के माध्यम से छोड़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये सभी तरीके उस समय काम नहीं करते। फ्लू या जुकाम होने पर कान के पर्दे पहले ही बंद हो जाते हैं और इस वजह से कान के अंदर और बाहर हवा के दबाव को बराबर करने का कोई रास्ता नहीं बचता है और ऐसे में कान में इन्फेक्शन हो सकता है और कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में केबिन क्रू के लिए छोटे छोटे कमरे बने होते हैं? दोस्तों, लंबे समय तक चलने वाली उड़ानों के दौरान केबिन क्रू को किसी न किसी समय ब्रेक लेना पड़ता है और हवाई जहाज में उनके आराम के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए जाते हैं और ज्यादातर बोइंग 777 और 787 जैसे हवाई जहाजों में इस तरह की सुविधा होती है। साथ ही आपको बता दूं कि केबिन क्रू टेक ऑफ और लैंडिंग के समय इन कमरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जब हवाई जहाज ऊंचाई पर होता है तब वो इनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज का जो पायलट और को पायलट होता है उन्हें अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों पायलट एक जैसा खाना खाकर बीमार ना हो जाएं। जैसे मान लीजिए जो खाना पायलट को दिया जाता है अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो एक जैसा खाना खाकर दोनों के दोनों पायलट बीमार हो सकते हैं और जो उस हवाई जहाज और उसमें बैठे यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बस इसी वजह से हवाई जहाज के पायलट और को पायलट को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। दोस्तों, साल 1953 से पहले हवाई जहाज की खिड़कियों के कोने चौकोर होते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से बाद में इन खिड़कियों को गोल बनाया जाने लगा, क्योंकि खिड़की के गोल किनारे हवा का ज्यादा विरोध नहीं करते और जिससे हवाई जहाज पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हवाई जहाज में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच बातचीत करने में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, ऐसे ही कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज के वजन को कम करने के लिए उसके फ्यूल को गिरा दिया जाता है, लेकिन ये जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। दोस्तों, एयरबस A380 हवाई जहाज एक बार में करीब 853 यात्रियों को ले जा सकता है और ये हवाई जहाज इतना बड़ा है कि हीथ्रो जैसे एयरपोर्ट को भी नए सिरे से सवारा गया है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज एकदम वर्टिकल उड़ान भर सकता है, क्योंकि अब हवाई जहाजों में एक और एक्स्ट्रा इंजन होता है। हालांकि कमर्शियल उड़ानों में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा तब चाहे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।